नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप मार्कशीट कैसे बना सकते हैं, 10th का हो चाहे 12th का, काम दोनों सेम रहता है। तो आज आपको बहुत कम समय में मार्कशीट बनाना बताऊंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे परसेंटेज निकाल सकते हैं, रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, ग्रेड कैसे निकाल सकते हैं और साथ में आप डिवीजन भी निकाल सकते हैं। ये सारा आज कर आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक्सेल ओपन कर रखा हुआ है। अब इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों इसको क्या करना है कि आपको इस तरीके से जूम कर लेना है और जूम करने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको जितना डेटा है आपको डेटा आपको बना लेना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हम रोल नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा रोल नंबर हो गया। टैप प्रेस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे लेते हैं नेम यानी कैंडिडेट का जो भी नेम है। उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं सब्जेक्ट यानी मैथ हो गया, मान लीजिए यहाँ पे मैथ हो गया। उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है हिंदी यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह इजी तरीके से यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ले लेना है। यहाँ पे इजी तरीके से सब्जेक्ट लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि मान लीजिए यहाँ पे हम 10 का बना रहे हैं। अगर आप 12 का बनाना चाहते हैं तो बस सब्जेक्ट आप ज़्यादा कर लीजिए, आपका 12th का भी यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक कोई और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लेते हैं टोटल का, यहाँ पे हम ले लेते हैं टोटल। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम लेते हैं परसेंटेज, यहाँ पे हम ले लेते हैं परसेंटेज का। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे परसेंटेज का हो गया। उसके बाद परसेंटेज का यहाँ पे लेने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इसको थोड़ा से हम ज़्यादा कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट दे देते हैं कि वो लड़का फेल है या पास है। उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं ग्रेड यानी जो भी उसका ग्रेड है, और लास्ट में हम लेते हैं यहाँ पे डिवीजन यानी जो होता है फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन, जो भी उसका डिवीजन है। इतना लेने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले ऐसे सेलेक्ट कर लेना है ऊपर और इसको यहाँ से आपको मर्ज कर देना है। उसके बाद दोस्तों मर्ज करने के बाद इसको हम यहाँ से बड़ा कर देते हैं, और बड़ा करने के बाद दोस्तों इस पर डबल टैप करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम नेम टाइप कर देते हैं मार्कशीट, यहाँ पे जैसा कि मार्क और यहाँ पे सीट हमने लिखा। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं टेबल डिजाइन, यहाँ पे DESIGN डिजाइन हमने लिखा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, डिजाइन लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको थोड़ा से हम फॉर्मेट वगैरह कर देते हैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और उसको हम थोड़ा से जो साइज है इसको थोड़ा से इंक्रीज कर देते हैं, और इसका जो कलर है कलर भी हम थोड़ा से चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कलर भी चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, येलो कलर बैकग्राउंड सेट कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इतना दूर ओनली बॉर्डर दे देते हैं, ऑल बॉर्डर यहाँ पे हम दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे रोल नंबर लेना है, तो रोल नंबर आप कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 2, 3, 4, 5 ये रोल नंबर है, और यहाँ पे मान लीजिए हम दे देते हैं 2, 3, 4, 8। इस तरीके से आप कोई भी नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए रोल नंबर हो गया। नेम आप स्टूडेंट का जो भी है आप यहाँ से नेम दे दीजिए, जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं यहाँ पे जी तरीके से सुमित। उसके बाद एरो दबा कर नीचे आएंगे, यहाँ पे दे देते हैं अमित, और यहाँ पे एक नाम और टाइप कर देते हैं यहाँ पे शिवम। ये तीन नाम ही नाम लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हम डेटा लेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फार्मूला भी इसमें थोड़ा से लॉन्ग है, थोड़ा से समझने लायक है। मैथ का यहाँ पे जो भी नंबर आपको मिला है आपको यहाँ पे इनपुट करना है। जैसे यहाँ पे हम मान लीजिए हम यहाँ पे मैथ में दे देते हैं 50, हिंदी में यहाँ पे हम 70 दे देते हैं, इंग्लिश में दे देते हैं 60, और साइंस में भी हम दे देते हैं 50, और SST में हम दे देते हैं 75। उसके बाद दोस्तों इसी तरीके से इन सब में आप अलग अलग दे सकते हैं, जैसे 44 हो गया, यहाँ पे हम 75 दे देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं 50, और यहाँ पे हम दे देते हैं 42, और यहाँ पे देते हैं 68। इस तरीके से हम दोस्तों यहाँ पे हमने दे दिया, उसी तरीके से यहाँ पे भी और दे देते हैं, यहाँ पे 30 दे देते हैं, और यहाँ पे हम दे देते हैं 40, यहाँ पे हम दे देते हैं 50, यहाँ पे दे देते हैं 60, और यहाँ पे दे देते हैं 90। इतना हमने यहाँ पे दोस्तों इजी तरीके से हमने दे दिया। अब यहाँ पे टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए आपको एक फार्मूला अप्लाई करना होगा, आपको लिखना होगा इक्वल और यहाँ पे लिखना होगा सम,
उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है, इन सारे सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट को कर देना है क्लोज और इंटर हिट कर देंगे, यहाँ पे टोटल आपको निकल जाएगा। यहाँ से आपको ड्रैग इस तरीके से करेंगे तो ये जितना यहाँ पे टोटल आपका आ जाएगा। परसेंटेज दोस्तों निकालना है, बहुत इजी स्टेप है। परसेंटेज निकालने के लिए आपको लगाना है इक्वल, और उसके बाद इक्वल लगाने के बाद जो टोटल की वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपका डिवीजन का साइन लगाकर यहाँ पे आपको लिखना है 500, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जितने सब्जेक्ट रहेंगे आपको उतना यहाँ पे 100 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लगाना है मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह, उसके बाद यहाँ पे 100 लिखकर इंटर कर देंगे तो आपका यहाँ पे परसेंटेज निकल जाएगा। इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज का साइन लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से सिलेक्ट करिए और यहाँ पे लगाते हैं परसेंटेज का साइन। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप जनरल पे जाते हैं और उसके बाद दोस्तों जनरल पे जाने के बाद यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाकर ब्रैकेट करते हैं क्लोज और यहाँ पे फिर से ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं परसेंटेज भी यहाँ पे लग गया है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं कि इसका रिजल्ट कौन सा है, पास है या फेल है, तो ऐसा रिजल्ट देखने के लिए यहाँ पे आपको एक फार्मूला अप्लाई करना होगा, वो है आपका इफ़ का। इफ़ आपको लिखना है सबसे पहले इक्वल, इफ़ ब्रैकेट को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है काउंट इफ़, इससे आपका जितना रहेगा सारा काउंट करेगा, और ब्रैकेट को ओपन करना है। आपको फर्स्ट से लेकर यहाँ पे जो आपका लास्ट सब्जेक्ट तक है आपको सिलेक्ट करना है, एक कामा देना है, उसके बाद डबल टेट कामा देना है, यहाँ पे आपको लगाना है ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है इक्वल और यहाँ पे लिखना है 3, 3, यानी इस तरीके से फार्मूला आपको अप्लाई करना है और यहाँ पे ब्रैकेट को कर देना है डबल टेट कामा क्लोज करना है और ब्रैकेट को क्लोज कर यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से एक बार इक्वल लगाना है और यहाँ पे आपको लिखना है 5, उसके बाद 5 लिखने के बाद आपको लगाना है कामा, और उसके बाद यहाँ पे फिर से कामा लगाने के बाद डबल टेट कामा लेना है और इसमें लिख देना है पास। एक कंडीशन है, ये जैसा हमने कंडीशन दिया है सेम इसी तरीके से आपको भी देना है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़, आपको क्या करना है कि ये जैसा है बस उसी तरीके से आपको इन सबको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं इफ़ वाले को, और जो यहाँ पे और यहाँ पे एरिया बच रहा है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए फार्मूला सही है, यहाँ पे बस आपको चेंजेस करना है। ये जो लेस देन इस तरीके से लगा है आपको कुछ अलग तरीके से लगाना होगा, आपको सबसे पहले इसको हटा देना है, यहाँ पे लगाना आपको लेस देन। लेस देन लगाने के बाद आपको डिविटेड कामा क्लोज कर यहाँ पे आपको लगाना है ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाने के बाद इक्वल लगाना है और यहाँ पे आपको दे देना है 3, 3 देने के बाद दोस्तों आपको कामा लगाने के बाद यहाँ पे जो आपका लिखा है पास, यहाँ पे बस आपको लिख देना है फेल, इस तरीके से फेल लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो कामा है इसको हटाकर आपको ब्रैकेट जितने बार ओपन किया आपको उतने बार क्लोज करना होगा, तो 2 times ओपन है तो 2 times बार क्लोज करते हैं, 1 और 2, बस इतना करने के बाद जैसे इंटर हिट कर देंगे तो यहाँ पे आपका रिजल्ट बता देगा कि आप पास हैं या फेल हैं। उसके बाद इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों एक विषय में यहाँ पे हमारा फेल दिखा रहा है और बाकी 2 में पास। दोस्तों ग्रेड निकालना है तो ग्रेड का निकालने का भी बहुत इजी स्टेप है, आपको लगाना है इक्वल और यहाँ पे लिखना है इफ़, ब्रैकेट को ओपन करना है और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आपको जो परसेंटेज का यहाँ पे दिया है इसको आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे लगाना है ग्रेटर देन और उसके बाद आपको लगाना इक्वल। अगर यहाँ पे आपके 80 मार्क्स से कम है यानी 80 है तो आपको यहाँ पे ग्रेड कौन सा मिलना चाहिए, ए, यहाँ पे ए लगाकर कामा लगाना है, उसके बाद फिर आपको एक कामा डालने के बाद आपको फिर एक बार लिखना है, उसके बाद फिर आपको इस तरीके से ब्रैकेट को ओपन करना है, परसेंटेज को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको लगाना है ग्रेटर देन इक्वल 70, उसके बाद कामा लगाना है डबल इंटेड कामा के अंदर आपको लिखना है बी, डबल इंटेड कामा क्लोज करना है, फिर आपको लगाना है कामा, फिर यहाँ पे आपको लिखना है इफ, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर परसेंटेज को लेंगे और परसेंटेज को लेने के बाद फिर यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल, और ग्रेटर देन इक्वल लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 60, फिर कामा लगाकर यहाँ पे डोंटेड कामा के अंदर आपको लिखना है यहाँ पे सी, उसके बाद यहाँ पे डोंटेड कामा क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे एक और कामा लेंगे, फिर लिखेंगे इफ़, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे फिर यहाँ पे परसेंटेज लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे फिर से ग्रेटर देन और इक्वल, यहाँ पे दे देंगे 50, उसके बाद एक कामा लगाकर यहाँ पे इसके अंदर लिख देंगे डी,
उसके बाद डी लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे फिर इसको क्लोज कर एक कामा देना है, और कामा देने के बाद फिर एक बार और कामा लगाकर इसमें लिख देना है फेल। उसके बाद आपको कामा डबल टेट कामा लगाकर आपको फोर टाइम्स बाद ब्रैकेट को करना है क्लोज, 1 2 3 4, और इंटर हिट कर देंगे तो यहाँ पे आपका ग्रेड बता देगा कौन सा ग्रेड है। अगर हम इसको ड्रैग कर देंगे तो आपको ड्रैग यहाँ पे इजी तरीके से ग्रेड भी आपको मिल जाएगा कौन कौन सा ग्रेड है। अब दोस्तों लास्ट में बचा हमारा डिवीजन। डिवीजन भी बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपको लगाना इक्वल, इफ लगाकर यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करना है, परसेंटेज लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको लगाना है ग्रेटर देन, और यहाँ पे इक्वल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बस ये जो आपने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है दोस्तों, बस वही फार्मूला आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पे फार्मूला इसको हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम फार्मूला करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे जो आप ए लिखे हैं बस इसके जगह पे आपको चेंज करनी है वैल्यू। यहाँ पे 80 के जगह आप कर दीजिए 60, यहाँ पे आप जो ए लिखे हैं इसके पे जगह पे आप लिख दीजिए फर्स्ट, यानी फर्स्ट डिवीजन। इस तरीके से आपको साइन बना लेना है जैसा कि हमने यहाँ पे बना लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बनाने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से यहाँ पे जो आपका बी वाला है, बी के जगह पे आपको देना है यहाँ पे 50, यहाँ पे हम 50 दे देते हैं, और यहाँ पे बी के जगह आपको लिखना है सेकेंड डिवीजन। यहाँ पे हम लिख देते हैं इजी तरीके से सेकेंड, DIVISON डिवीजन। उसके बाद इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और लास्ट में हम दे देते हैं, जो यहाँ पे 60 है यहाँ पे हम दे देते हैं 40, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं थर्ड डिवीजन, यहाँ पे थर्ड DIVISION इस तरीके से हम प्रोवाइड कर देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा से आपको फोकस करना है। डिवीजन लिखने के बाद यहाँ पे जितने वैल्यू हैं इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, और इतना हटाने के बाद आपको कामा के बाद यहाँ पे डिविंटेड कामा के अंदर बस यहाँ पे आपको लिख देना है पास, ये नॉर्मल पास होगा। इसके बाद डिविंटेड कामा क्लोज कर यहाँ पे आपको 3 times ब्रैकेट को कर देना है क्लोज, क्योंकि यहाँ पे 3 times यहाँ पे ओपन, बस इंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे डिवीजन भी बता देगा। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे आपका डिवीजन भी लग जाएगा। ये दोनों में देखिए सेकेंड है, अगर सपोज मान लीजिए इसमें हम 65 कर देते हैं और इंटर हिट करते हैं तो इसमें देखिए फर्स्ट डिवीजन आ गया। अगर मान लीजिए इसमें हम 3 subjects में कम मार्क्स, जैसे 40 में हमने कर दिया, इसमें भी हमने 40 कर दिया, और इसमें हमने 40 कर दिया। अब देखिए आपका जो यहाँ पे परसेंटेज है 50% है। अगर यहाँ पे एक सब्जेक्ट में और सपोज मान लीजिए कम हो गया, अब देखिए ऑटोमेटिक थर्ड डिवीजन आ जाएगा और यहाँ पे फेल दिखा देगा। तो देख सकते हैं दोस्तों ये लाइव यहाँ पे चल रहा है। इस तरीके से आप मार्कशीट को डिजाइन कर सकते हैं, ये बहुत इजी स्टेप है। फार्मूला आपको सारा देख सकते हैं, यही सारे फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो हेल्प लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि मार्कशीट भी बहुत ज़रूरी होती है बनाना। तो इस तरीके से आप एक्सेल में मार्कशीट को डिजाइन कर सकते हैं, जैसा कि दोस्तों आपने देख चुका होगा कि हमने कितना इजी स्टेप में मार्कशीट को यहाँ पे डेवलप हमने किया है।